सारे विद्यार्थियों का स्वागत है। साडे को सिक्स क्लास का टॉपिक असी कर रहे हैं आरंभिक आकारों को समझना, अंडरस्टैंडिंग एलीमेंट्री शेप्स। यदि असी नैक्सट एक्सरसाइज करनी है अभ्यास 5.2, ये असी पढ़ा सरल कोण और समकोण बारे। ठीक है, समकोण सरल कोण। हुण सब तो पहला तो कोण हुंदा की है, पिछली एक्सरसाइज विच तुसी रेखावां बारे पढ़िया, रेखा किसी रेखाखंड नूं असी किस तरह माप सकते, मेयर किस तरह कर सकते। देखो, दो रेखाखंड या दो रेखावां या दो किरणां आपो विच मिलदियां ने। ठीक है, मान लो एक किरण हैगी ए बी अते दूसरी ए सी। ये दोवें किरणां ए तो शुरू होंदियां ने। यह जिहड़ा है ये दोवें किरणां आपो विच किन्ना झुकियां ने, इहनूं कहिंदे आ असीं कोण, यानी कि इंग्लिश विच कह लैंदे आ एंगल। हुण समकोण की है ते सरल कोण की है। समकोण है कोण दे यूनिट हुंदे, कोण नूं असीं डिग्री च मेजर करदे हां। ठीक है, ये भी तुहानूं नैक्सट समझावांगे। जे दो रेखावां विच एक रेखा लेटवीं है एक खड़वी, होरिजोंटल ते वर्टिकल, इन्हां विच जिहड़ा कोण हुंदा है उह हुंदा है समकोण। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण हुंदा है। ये तुसीं नैक्सट पढ़ो, ये किन्ने डिग्री का कोण हुंदा है, 90 डिग्री। समकोण नूं असीं इंग्लिश विच राइट एंगल कह लैंदे आ, राइट एंगल। ठीक है, उस तो बाद सरल कोण। सरल कोण कोण जिहड़ा हुंदा दो रेखावां दे विच ही है, एक ही है, एक रेखा होरिजोंटल एक वर्टिकल, कोण जिहड़ा बनिया समकोण। जदों एक रेखा ए नूं जा रही है, मान लो ईस्ट वल नूं ते दूसरी वैसट वल नूं, फिर यह जिहड़ा कोण है ये हैगा साडे को सरल कोण। सरल का मतलब सीधा, क्योंकि दोवें रेखावां की हो गई सीधियां हो गई। ये हुंदा है 180 डिग्री का। ठीक है, इनू असी इंग्लिश कह लें स्ट्रेट एंगल। क्लीयर। हुण असी इस अभ्यास विच इन्ना रिलेटेड असी प्रश्न करने हैं, दो चीज़ों का ध्यान रखना, समकोण ते सरल कोण। समकोण कदों बनता है, दो रेखाओं में कदों समकोण होएगा, जो एक होरिजोंटल होएगी दूसरी वर्टिकल। जरूरी नहीं होरिजोंटल वर्टिकल, मतलब 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। ठीक है, दूसरा सरल कोण कदों बनता है, जो दोवें रेखावां की डायरेक्शन जिहड़ी दिशा है एक दूसरे नालों उल्ट होए, जिस तरह एक ईस्ट वल जा रही दूजी वैसट वल, एक नॉर्थ वल दूजी साउथ वल, इस तरह। ठीक है, हुण अभ्यास ते असीं प्रश्न करते हैं। सब तो फस्ट, घड़ी दी घंटे वाली सुई एक चक्कर दे किन्नी वार घूम जाती है जदों वो पहुँचती है, 3 to 9 तक। ठीक है, असी पता करना है कि जिहड़ी घड़ी दी घंटे वाली सुई हुंदी आर्स हैंड, ये साडे को की है घड़ी है। तुहानू पता घड़ी इत्थे 12 लिखिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ते 11। हुण जिहड़ी घंटे वाली सुई है वो कहिंदा पहला 3 ते 3 तो फिर कित्थे पहुँची 9 तक, तो किन्नी बार घूम चक्कर का किन्ना हिस्सा घूमी, तो किन्ना हिस्सा घूमी, देखो इधरों ए नूं आए इत्थों तक, मतलब ये चक्कर का अद्धा हिस्सा घूमी। ठीक है, चक्कर का अद्धा, अद्धे नूं असीं किन्ना लिख किस तरह लिखते हैं मैथ विच, 1/2 हिस्सा। ठीक है, 1/2 मतलब अद्धा, कि जे पूरे चक्कर दे 2 भाग किते सुई उहदा उच दोवां चों 1 भाग घूमी, मतलब 1/2 यानी कि अद्धा। ठीक है, इस तरह बाकी 4 to 7 तक। हुण पहला जिहड़ी सुई उह साडे कोल 4 ते है, फिर कितने चल गई 7 ते, पहले 4 ते फिर 7। ये जिहड़ा हुण देखो असी कह सकते इन्हां दोवां विच 90 डिग्री का कोण है, क्योंकि ये की हो गया चक्कर का चौथा हिस्सा। जो मैं पूरे चक्कर के 4 हिस्से करा, देखो 4 हिस्से करा,
तो चारा चो एक हिस्सा सूई घूमती पई है। तो फिर जो सूई सत्त तो चार तो सत्त तक जाती वो चक्कर का चौथा हिस्सा घूमती है। ठीक है, चार तो सत्त तक चक्कर का चौथा हिस्सा यानी कि एक बटा चार भाग हिस्सा लिख लो या भाग लिख लो। एक बटा चार यानी एक बटा दो मतलब दोवों चो एक भाग, एक बटा चार यानी कि हुण मैं चक्कर दे चार भाग किते उन्हां चो एक भाग यानी कि चौथा हिस्सा। ठीक है, हुण इस तरह नैक्सट असीं करने सैकेंड, एक घड़ी दी सूई कित्थे रुकेगी, कित्थे रुक जाएगी जेकर बारह तो शुरू करे अते घड़ी दी दिशा विच एक बटा दो चक्कर पूरा करे। हुण घड़ी दी दिशा ते घड़ी दी उल्ट दिशा, घड़ी दी दिशा वह हुंदी है जदों कोई चीज़ घड़ी दी दिशा वल्लों घूमदी, जिस तरह घड़ी दी सुइयां तुहानूं पता किधर नूं घूमदी, इहनूं कहिंदे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो घड़ी दी उल्ट दिशा जे इस दिशा विच घड़ी घूमदी उत्तों जे उल्ट दिशा विच कोई चीज़ घूमे। हुण सब तो पहला है साडे को जिहड़ी घड़ी दी सुई है बारह तो शुरू हो के कित्थे जाके रुकदी है, घड़ी दी दिशा विच एक बटा दो चक्कर पूरा करे। ठीक है, हुण बारह तो शुरू हुई तो एक बटा दो चक्कर, एक बटा दो चक्कर तुहानूं हुणे दस्सिआ अद्धा चक्कर घड़ी दी दिशा वल, घड़ी दी दिशा इधर नूं। ठीक है, इस तरह इधर नूं घूमदी ना घड़ी, घड़ी सुई तो एक बटा दो चक्कर पूरा करे तो यह फिर जे बारह तो शुरू हो के एक बटा दो चक्कर पूरा करे तो यह फिर कित्थे जाके रुकेगी, छे ते जाके रुकेगी। ठीक है, उन्हें कहे बारह तो शुरू हो के कित्थे जाके रुके जे घड़ी दिशा विच एक बटा चक्कर दो चक्कर पूरा करे कित्थे जाके रुकेगी, छे ते जाके रुकेगी जे छे ते पहुँचेगी। ठीक है, हुण बाकी भी इस तरह से करने, जिस तरह लास्ट डी पार्ट इहदा इहदे विच कहिंदा पंज तो शुरू हो के, पंज तो शुरू हो के घड़ी दी दिशा, घड़ी दी दिशा वल या घड़ी दी दिशा विच तीन बटा चार चक्कर पूरा करे। हुण तीन बटा चार का मतलब हुंदा है चक्कर दा, चक्कर दे तीन हिस्से, चारा चो किन्ने हिस्से, तीन हिस्से क्योंकि तीन बटा चार है। ठीक है, चारा चो तीन हिस्से। हुण ए किस तरह देखो कित्थों शुरू होंदी सी, कित्थों शुरू होंदी है पंज तो, यानी कि हुण साडे कोल जिहड़ी घंटे वाली सी पंज ते है, तीन बटा चार मतलब हिस्से, हुण चक्कर दे किन्ने हिस्से करने है चार हिस्से, इत्थों ही चार हिस्से जे मैं करां लो। ठीक है, इवें किन्ने हिस्से करते चार हिस्से, तो तीन बटा चार मतलब चारा चो तीन हिस्से ये घूमती है, एक दो ते तीन, तो कित्थे जाके रुकेगी फिर दो ते जाके रुकेगी। ठीक है, दो ते जाके रुकेगी, क्लियर। नैक्सट थर्ड क्वेश्चन विच तुसी किस दिशा विच देख रहे होवोगे, जेकर तुसी शुरू विच पूरब वल देख रहे हो अते घड़ी दी दिशा विच एक बटा दो चक्कर घूमदे हो। हुण पूरब पश्चिम तुहानूं डायरेक्शनस दा पता आ। ठीक है, उपर वल नूं की हुंदा है उत्तर, उत्तर यानी कि नॉर्थ, फिर हेठा दक्खण, दक्खण यानी कि साउथ, फिर राइट साइड ते आ गया साडे को ईस्ट, ईस्ट नूं ही पंजाबी च की कह लैने पूरब, इधर है गया साडे को पश्चिम यानी कि वैसट। हुण इन्हां विच देखो सारे विच किन्ना कोण है, समकोण है, उन्हें दस्सिया तुहानूं समकोण।
ठीक है 90 डिग्री का। हुण पहला प्रश्न की है, पूरब वाल देख, तुसी पहला किधर नू देख रहे जे, पूरब वाल नू यानी कि ईस्ट वाल नू, इधर नू तुहाडी अख, ठीक है, अते घड़ी दी दिशा विच 1/2 चक्कर पूरा करो। हुण तुसी पहला पूरब वाल नू देख रहे घड़ी दी दिशा विच, घड़ी दी दिशा मतलब क्लॉकवाइज, हुण घड़ी दी दिशा इधर नू, ठीक है, यानी कि इत्थों असी चक्कर दा 1/2, 1/2 यानी कि अद्धा हिस्सा पूरा करोगे, यानी कि तुसी फिर किधर नू देखन लग पोगे, पश्चिम नू देखन लग पोगे, ठीक है। इत्थों पूरब नू देख रहे जे, चक्कर दा 1/2 हिस्सा पूरा किया, पश्चिम नू देखोगे, क्लीयर। तो इहदा आंसर की आएगा, थर्ड दा ए पार्ट, किधर नू देखांगे, पश्चिम वल नू, पश्चिम यानी कि वैसट वल नू। नेक्स्ट भी इस तरह ही है, इस तरह थर्ड पार्ट है, पश्चिम वाल देख रहे हो अते घड़ी दे उल्ट दिशा विच 3/4 चक्कर पूरा करते हो। हुण तुसी कहिंदे किधर नू देख रहे हो, पश्चिम वाल नू, पश्चिम वाल नू देख रहे हो अते घड़ी दी उल्ट दिशा। हुण ऐ जिहड़ी क्लॉकवाइज है घड़ी दी दिशा है, ते एंटी क्लॉकवाइज घड़ी दी उल्ट दिशा वो इधर नू होएगी, ठीक है। ए घड़ी दी दिशा, एक घड़ी की उल्ट दिशा, तुसीं पश्चिम वल देख रहे हो तो घड़ी की उल्ट दिशा में 3/4 चक्कर पूरा करते हो। हुण इत्थों घड़ी की उल्ट दिशा यानी कि तां नूं जावांगे, एक घड़ी की उल्ट दिशा किन्ना चक्कर पूरा करना, 3/4 यानी कि चक्कर दे जे 4 हिस्से, उन्हां चों 3 हिस्से पूरे करने, तो तुसीं फिर किधर नूं देखना है, दक्षण वल, ठीक है। इहदा आंसर की आएगा, दक्षण वल। हुण नैक्सट भी इस तरह करना है सारे, ठीक है। घड़ी दे घंटे वाली सुई द्वारा घूमे गए समकोणा की संख्या पता करो। हुण यह भी सेम है, कहिंदा समकोणा की संख्या पता करनी है, इहदे विच जिस तरह फस्ट पार्ट विच वो कह रहा है, एक क्वेश्चन नंबर हैगा तुहाडा 5वां, 3 to 6 तक, 3 to 6 तक, यानी कि घड़ी की सूई जी पहला 3 ते है, तो 3 तो फिर कितने पहुँच गई, 6 ते, तो किन्ने समकोण पूरे किए, 1 समकोण, ठीक है, 1 समकोण, क्लीयर। इस तरह नैक्सट 5 to 11 तक, हुण पहला सूई हैगी है 5 ते, उत्थों फिर कितने गई, हुण जिहड़ी सूई है वह तो घड़ी की दिशा में घूमेगी, ओबियसली कितने गई, 11 ते गई, तो किन्ने समकोण पूरे किए, ए देखो जे मैं इनू इधर नू मिला लाँ, यानी कि 2 समकोण पूरे किए, 5 to 11 तक किन्ने समकोण पूरे करेगी, 2 समकोण, ठीक। बाकी के डायरेक्शन का भी इस तरह ही है, तुसी किन्ने समकोण घूमोगे, जेकर तुसी दक्षण वाल देख रहे हो तो घड़ी की दिशा में पश्चिम वाल घूम जाते हो, तुसी दक्षण वाल देख रहे हो, दक्षण यानी कि साउथ, घड़ी की दिशा में पश्चिम वाल घूम जाते हो, तो किन्ने समकोण पूरे करांगे, इक्को समकोण करांगे ना, दक्षण वाल देख रहे हैं घड़ी की दिशा में यानी कि इधर नूं पश्चिम वाल घूम जाने, तो किन्ने समकोण पूरे किए, इक्को, जे क्या होए घड़ी की उल्ट दिशा में फिर असीं इधर नूं घूमना है, फिर 3 समकोण पूरे करने ही, ठीक है, 1, 2 ते 3, क्लीयर। बाकी भी सारे प्रश्न इस तरह ही करने हैं, बहुत ही आसान है। सत्तवां उहदे विच वी इसे कहिंदा घड़ी दी घंटे वाली सूई कित्थे रुकेगी जेकर वह शुरू 6 तो होए अते 1 समकोण घूमे, ठीक है, कित्थों शुरू हुंदी है, 6 तो शुरू हुंदी है अते 1 समकोण घूमदी है, पहला 6 ते 1 समकोण घूमे यानी कि कित्थे पहुँच गई, फिर 9 ते पहुँच गई, फिर 8 तो शुरू होकर 2 समकोण घूमे, 8 तो शुरू हुई किन्ने समकोण घूमे, 2, ए 1 हो गया 11 तक, ए 2 हो गए, तो कित्थे पहुँचेगी, फिर 2 ते पहुँचेगी, ठीक है।
दस तो शुरू होके तीन समकोण घूमे, हुण दस तो शुरू हुंदी है, दस तो शुरू होके तीन समकोण, पहला दस तो शुरू हुई, यह हो गया साढ़े को एक समकोण एक बजे तक, दो समकोण पाँच बजे तक, तो तीजा समकोण कितने सत्त बजे तक। ठीक है, दस तो शुरू होके जे तीन समकोण घूम घूमती है तो कितने पहुँचेगी, सत्त ते पहुँचेगी। जरा लास्ट है सत्त तो अते दो सरल कोण घूम जाए। ठीक है, देखो सत्त तो शुरू हुई, कितों शुरू हुई, सत्त तो दो सरल कोण, हुण सरल कोण की है, जिस तरह एक रेखा इधर नूं है दूसरी उदे उल्ट दिशा में, यह सरल कोण 180 डिग्री। हुण पहला सत्त है, दो सरल कोण घुमाने, एक सरल कोण घूमेगी कितने जाएगी, एक ते। ठीक है, तो दूजा फिर सरल कोण घूमेगी, फिर कितने वो आ जाएगी, सत्त ते ही आ जाएगी। क्लीयर, यानी कि जे सत्त तो शुरू हुई दो समकोण घूमी फिर वो कितने आ जाएगी, सत्त ते आ जाएगी। क्लीयर, ये सी तुहाडी अभ्यास 5.2। नैक्सट विच इहदे विच तुसीं सरल कोण समकोण बारे पढ़िया, नैक्सट अहीं पढ़ेंगे न्यून कोण अधिक कोण ते रिफलैक्स कोण बारे। क्लीयर, तद तक लई धन्नवाद सारिआं दा।